लिखा है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो कंपनियां हैं, टाटा है, महिंद्रा टेक है, पेटीएम है, ऐसी जगह वास्तविकता में क्या हो। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारे देश में और यही हमारी ताकत है। हम लोग विश्व शक्ति अपने को इसलिए भरोसे कह पाते हैं क्योंकि हमारे नौजवानों की 35 साल से कम की उम्र के 60% लोग, तो ये हमारी ताकत होनी चाहिए, आगे आके कमजोरी ना हो जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ सदन में कि किसान को तो हम लोग समझा लेंगे, नौजवान जिस दिन नाराज हुआ सत्ता से, लोगों से जो बैठे हुए हैं अब जैसे लोगों से, तो सड़क पे क्या होगा, क्या आंदोलन होगा, उसकी हम लोग आशा भी नहीं कर सकते। कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते, कभी नाराज हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि आपको पता है बलिया के हैं तो थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा रहती है। तो मैंने कहा कि आप सुझाव कुछ भी दे सकते हैं, पकौड़ा बेचो वो बेचो, लेकिन जब इंजीनियरिंग करके कोई लड़का पकौड़ा बेचना नहीं चाहे, वो चाहेगा कि कहीं छोटी नौकरी मिल जाए, आप उसको ये सुझाव मत दीजिए प्रधानमंत्री जी, इससे उसका आप दिल तोड़ रहे हैं कि तुम नौकरी पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का पैसा खर्च करो और फिर रेडी लगा के पकौड़ा। ये भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोग बोले या कोई और बोले, आपके नेता बोल रहे वो सही है, आपको एक आश्वासन देना चाहिए नौजवानों का कि किस तरह आप लोग, हम आपके साथ हैं, मैं जानता हूँ कमियाँ आप लोग में, अगर अपनी आप गलती स्वीकार करेंगे तो लोग आपको ज्यादा मानेंगे।